देखो कैसे हैं आप सब। उम्मीदें खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको साइट सिलेक्शन के बारे में बताऊंगी, कैसी कौन सी बेटर साइट्स हैं जहां पे फॉर्म बनाना जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं साइट सिलेक्शन फॉर पॉन। तो इसमें सबसे पहले कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हम चेक करते हैं। फिजिकल पैरामीटर होता है, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल के बारे में अगर पहले बात करें तो यहाँ पे आपने देखना होगा कि वाटर की जो है ना वहाँ पे क्वालिटी कौन सी है। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से जो है ना वो एनिमल्स हैं या फिर उसके अंदर कौन कौन से प्लांट्स हैं। ठीक है, यानी वो जगह कैसी है, वहाँ पे कोई पैरासाइटिक तो नहीं है, वो जंगल के करीब तो नहीं है जहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे ऑटर्स वगैरह या फिर इस तरह के कोई भी बेबून वगैरह जो है ना, ये भालू जो होते हैं, ठीक है, वो आ जाएंगे, बियर्स आ जाएंगे और आपके फ़िश को खा जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ है तो नहीं। तो आपने ये सारी चीज़ें जो है ना ये बायोलॉजिकल फैक्टर में आपने देखनी होंगी। एंड देन हम बात करेंगे फिजियो केमिकल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो चीज़ देखेंगे वो डेंसिटी देखेंगे कि वाटर की डेंसिटी क्या है, उसका प्रेशर, उसकी बायोन्सी, टेम्परेचर, लाइट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सेलिनिटी एंड पीएच जो है, इन सबको हम चेक करते हैं कि वहाँ पे वाटर जो है वो किस क्वालिटी का है। अगर वाटर जो है वो बेस्ट क्वालिटी का होगा तो फिर आपकी जो फिश होगी वो भी अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो टेम्परेचर होती है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्लाइमेटिक का टेम्परेचर कितना है और उस एरिया का टेम्परेचर कितना है। अगर टेम्परेचर टू हॉट है तो फिर भी क्या होगा कि आपकी जो फिश होगी उसको एनोक्सिया हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो वार्म वाटर होता है, ठीक है, उसके दरमियान में क्या होता है कि ऑक्सीजन ट्रैप नहीं रहती और ऑक्सीजन उसमें से रिलीज़ हो जाती है। वहाँ पे क्या होगा कि वाटर के अंदर जो है ना वो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, साथ में वाटर का जो पानी है वो भी कम हो जाएगा, बुखारात में बन जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा अंदर से, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर हाई है। इसलिए हम टेम्परेचर को भी डिस्कस करते हैं। वाटर का कलर और ऑर्डर वो दोनों डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर वाटर अच्छी क्वालिटी का है तो उसका कलर भी सेट होगा, ठीक है, यानी वो ट्रांसपेरेंट होगा एंड देन उसकी जो कोई भी ऑर्डर नहीं होगी। लेकिन अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई जो है एबनॉक्सियस गैसेज हैं, कुछ भी डेंजरस मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल उसके अंदर ज़्यादा है, तो क्या होगा कि उसकी एक गंदी सी बदबू जो है वो आना शुरू हो जाएगी। टर्बिडिटी भी डिपेंड कर रही होती है एंड देन इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका सोर्स है भी या नहीं। देन हम देखेंगे कि हम ऐसी कौन सी प्लानिंग कर सकते हैं जिसके थ्रू जो है वो पॉन्ड वाटर और पॉन्ड की जितनी भी साइट्स हैं वो सारे सेट हों। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो चीज़ देखते हैं कि हमने पॉन्ड बनाना किस लिए है, ठीक है। तो पॉन्ड आपने स्पानिंग के लिए बनाना है, नर्सरी पॉन्ड बनाना है या रेयरिंग पॉन्ड बनाना है, ये आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है। उस पॉन्ड के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, जो स्पेस होती है उसको चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। देन हम अभी हम इसकी कुछ क्वालिटीज़ के बारे में देखेंगे कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको पॉन्ड की साइट सिलेक्शन में देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर साइट सिलेक्शन में अगर हम दूसरे नॉर्मल अगर देखते हैं, ठीक है, वहाँ की चीज़, जैसे हम कोई घर सेलेक्ट करते हैं कि हमने वहाँ घर लेना है, तो सबसे पहले हम गैस, पानी, ठीक है, और रोड्स वगैरह ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जब आपने पॉन्ड सेलेक्ट करना है तब भी आपने ये सारी चीज़ें चेक करनी होंगी। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि ऐसी जगह स्पेस जो है ना वो चूज़ करनी है जो कि सूटेबल हो फिशेस के लिए। देन आपने क्या करना है, वहाँ पर देखना है ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ठीक है, ठीक है, ताकि फ़िश सीड को आप ट्रांसपोर्ट कर सकें, मार्केट तक अपनी फ़िश को लेके जा सकें। पॉन्ड बनाने का क्या फ़ायदा जब आपने कहीं पहाड़ों में बना लिया है पॉन्ड और ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, रोड्स ही नहीं है, तो आप वहाँ पे जब मार्केट तक आपकी फ़िश पहुँचेगी ही नहीं, आप उसको बेचोगे ही नहीं, आपको बेनिफिट ही नहीं होगा, तो फिर पॉन्ड बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपने देखना होगा, साथ में आपने देखना है कि वहाँ पर फ्लड ना आते हो। ऐसा ना हो आप एक दिन पॉन्ड बनाओ, 5-6 दिन बाद फ्लड आए, बारिशें हों, फ्लड आ गया और उसके अलावा उसके साथ क्या होगा, आपका पॉन्ड भी बह के चला जाएगा। तो ये भी चीज़ ना हो, वहाँ पे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी आसपास इंडस्ट्री ना लगी हुई हो, वाटर का सोर्स जो है वो अच्छा हो और उसे सफिशिएंट वाटर जो है वो आप ऐड कर सको इजीली। देन उसमें क्या हो कि कोई वहाँ पे रोड्स भी होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए और लेबर्स भी होने चाहिए, ठीक है। एंड देन हम क्या स्टडी करेंगे कि ऐसी जगह पॉन्ड बनाना है जो जो फॉरेस्ट से जो है ना वो दूर हो, ठीक है, उसमें फॉरेस्ट नज़दीक ना हो, फॉरेस्ट नज़दीक होगा जंगली जानवर आएंगे आपके फिश पकड़ के खा जाएंगे। एंड देन आपने देखना है कि जो बिग रोड्स हैं या फिर किनाल्स हैं, पॉन्ड बनाना उधर ही है जहाँ पे रोड्स वगैरह आपको अवेलेबल हों, लेकिन वो इतने भी नज़दीक ना हो, ठीक है, मीन्स कि जो रोड है वो थोड़े अवे हों पॉन्ड से। देन हम वाटर क्वालिटी को चेक करेंगे, क्योंकि वाटर ही तो इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर जो फिश है उसने रहना है, वो उसका पूरा इन्वायरमेंट है, तो वाटर की क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी दोनों को चेक करना है। आपने ऐसा वाटर सेलेक्ट करना है जिसके अंदर ऑक्सीजन लेवल भी हाई हो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम हो और अमोनिया भी कम हो, वेस्ट मटेरियल कम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये वाटर की गुड क्वालिटी है। लेकिन अगर उसके अंदर पोल्यूशन ऐड हो जाए, पोल्यूशन हो जाए और एबनॉक्सियस जो है ना वो गैसेस वगैरह वहाँ पर आ जाए,
तो इससे क्या होगा कि वो वाटर जो है वो सेट नहीं रहेगा, वो पोल्यूटेड वाटर हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन की जो है क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन वाटर के अंदर ऐड होती है तो उसको हम कहते हैं ये क्या है, ये डीओ है, यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन है। देन हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वाटर सोर्स के बारे में, कि वाटर जो है वो मुख्तलिफ सोर्स से आ रहा होता है, रिवर से आ रहा है या फिर स्ट्रीम से आ रहा है, स्प्रिंग से आ रहा है, जिसके थ्रू भी आ रहा है। तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वाटर, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पॉन्ड है हमारा, ठीक है, तो वाटर यहाँ से इधर से जो है ना उसने एंटर होना है। तो हम क्या करेंगे कि वाटर को जब एंटर करवाना है तो अगर उसके अंदर ऑक्सीजन कम है, ठीक है, तो आपने क्या करना होगा कि यहाँ पे नीचे जो है ना ऐसे पत्थर वगैरह रख दिए होंगे बड़े बड़े, ठीक है, जिनके ऊपर से जब पानी टकराएगा तो वो स्प्लैश होगा। और स्प्लैशिंग के दौरान क्या होगी कि वो जो है ना उसकी जो क्वांटिटी होगी, ठीक है, वाटर की, उसके अंदर जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, जैसे कि ऐसे होगा। फिर आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे सीढ़ियाँ बना लें, ठीक है, तो वाटर का आपने पाइप यहाँ पर लगाया होगा, वो जब सीढ़ियों से स्प्लैश होता है और नीचे आपने पत्थर भी रखे हुए हैं, तो क्या होगा कि वो जब इनके ऊपर से गुजरेगा तो फिर उसके अंदर जो है ना डीओ का लेवल वो ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आपने वाटर जो है ना उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ऐड करने की कोशिश करनी है। देन हम क्या देखेंगे कि जो फ्लो होगा ना वो ग्रेट होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर कोई भी किसी तरह की डेंजरस गैस जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एक तो उसके अंदर डेंजरस गैस ना हो, और दूसरा चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट वो ये है कि उसके अंदर जो है ना वो सिल्ट वगैरह भी ना हो। समटाइम ऐसा होता है कि ऐसा वाटर आ रहा होता है जिसके थ्रू क्या हो जाता है कि कोई भी सिल्ट वगैरह हो गई, ठीक है, या कोई मिट्टी या कोई वेस्ट मटेरियल या फिर कोई इस तरह के जो एनिमीज़ होते हैं या वरेशियस फिशेस जो होते हैं जो आपके फिशेस को खा जाएंगी, कार्प्स को खा जाएंगी, तिलापिया को खा जाएंगी, तो वो जो है उनको भी ऐड नहीं करना, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब पॉन्ड बनाते हैं तो उसके लिए एक और स्पेशल किस्म का तरीका अपनाते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि कोई भी चीज़ यानी वेस्ट मटेरियल जो है वो हमारे पॉन्ड के अंदर एंटर नहीं होता, सिर्फ क्लीन वाटर जो है वो एंटर होता है, क्योंकि वहाँ पे हम फिल्टर लगा लेते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि जो वाटर है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है, हर चीज़ के लिए। अगर ह्यूमन की बात की जाए तो उसके उसने ड्रिंक भी करना है, बात भी करना है, ठीक है, फूड के लिए भी और सैनिटेशन, ठीक है, रिक्रिएशन, मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज़ के लिए वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। जब हम लैंड पे रहते हैं, ठीक है, जब हमारे लिए वाटर इतना इम्पोर्टेंट है, तो फिर वो, ठीक है, वो फिशेस जिन्होंने उस वाटर के अंदर रहना है, जिनका इन्वायरमेंट ही वाटर है, तो उनके लिए वाटर कितना इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए आपने इसकी सारी क्वांटिटीज जो है हर चीज़ जो है उसकी चेक करनी है, और वो देखना है कि वो कितनी बेनिफिशियल है, ठीक है, और उनकी रिप्रोडक्शन भी उसी के अंदर होनी है, क्योंकि वो उनका बेसिक इन्वायरमेंट है जिसके अंदर उन्होंने रहना है, जिसको हम कहते हैं एक्वाटिक इन्वायरमेंट। तो देन आप पॉन्ड जो है वो घर में बना सकते हैं, जैसे कि ये पॉन्ड जो बना हुआ है ये अब ज़मीन से ऊपर बना हुआ है, ठीक है, यानी एलिवेटेड पॉन्ड है, और ये खूबसूरती के लिए बनाया गया है। आप इस तरह के पॉन्ड्स घर में बना सकते हो, आप उसमें फिशेस रख लो, ठीक है। तो अभी हम जो चीज़ देखेंगे वो यही है कि आपने जो बनाना है, ठीक है, तो आपने सेलेक्ट करना होगा कि आपने कितना वाटर जो है वो लेना है, ठीक है, वाटर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। और सबसे पहले उससे पहले हम देख लेते हैं कि पीएच जो है ना वो वाटर की कितनी हो। तो आपने देखना होगा जो पीएच है वाटर की वो 7 से 8 तक हो, उससे ना कम हो ना उससे ज़्यादा हो। अगर उससे कम हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर आप क्या करें, मतलब लाइम वगैरह डाल दें, ठीक है, तो लाइम से क्या होगा कि वो बैलेंस हो जाएगी, वहाँ पर सी ए जो है ना आयंस वो निकल आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो पीएच को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे ये 7-8 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा अबव नहीं होनी चाहिए और ना ही उससे ज़्यादा कम होनी चाहिए। दोनों कंडीशन से आपकी जो फिश होगी उसकी डेथ हो जाएगी। अब हम बात कर रहे थे सिल्ट की, कि जो इनलेट वाटर है, ठीक है, यहाँ से आप ये देखेंगे इनलेट वाटर जो है ना ये आ रहा है पॉन्ड के अंदर, और अगर उसके अंदर मट्टी है तो वो मट्टी भी जो है वो सीधी आ जाएगी और ये आपके पॉन्ड के नीचे बैठना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है, ठीक है, किसी भी टैंक की या किसी भी पॉन्ड की वो कम हो जाएगी। उसके साथ ओवरऑल क्या हो जाएगा कि आपको जो पॉन्ड है उसके अंदर जगह कम हो जाएगी, टर्बिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, फिश जो है ना उसको सफोकेशन होगी, ठीक है, और उसकी डेथ जो है वो हो जाएगी, और आपको जो वरिशियस फिशेज होती हैं, ठीक है, उनको चेक करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे आप एक ही जो इम्पोर्टेंट वे है वो ये है कि आप ऐसा करें, आपके पास ये देख रहे हैं ये एक पाइप है, ठीक है, ये जो है ना ये आपके पास इनलेट पाइप है जिसके थ्रू आप क्या करेंगे वाटर को इंटर कर रहे हैं पॉन्ड के अंदर। तो अब यहाँ पर क्या करें, इस तरह की जो है ना आगे फ़िल्टर वगैरह लगा लें, ठीक है, इस तरह की वो जाली सी है वो लगा लें। इससे क्या होगा, एक तो कोई वोरेशियस फिश जो है ना वो इंटर नहीं होगी और वाटर जो है ना वो बिल्कुल क्लीन हो के वो आगे आएगा, ठीक है, उसके अंदर किसी किस्म की सिल्ट वगैरह या कुछ भी नहीं आएगा और आपको जो पानी वो सारा साफ़ रहेगा। देन हम डिस्कस करेंगे वाटर क्वांटिटी के बारे में। तो वाटर क्वांटिटी जो है वो डिपेंड कर रही होती है
आपका पोन जो है वो किस साइज़ का है, मीन्स कि उसकी जो है डेप्थ कितनी है, ठीक है, वो कितना डीप है, कितना वाइड है, कितनी उसकी लेंथ है, इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका टोटल वाटर वॉल्यूम कितना होगा, आपको कितनी क्वांटिटी में वाटर चाहिए अपने पॉन्ड को फिल करने के लिए। और सेकंड चीज़ आपने ये देखनी है उसके अंदर कोई वेस्ट मटेरियल जो है वो ऐड ना हो रहा हो, ठीक है। और वाटर का लेवल भी आपने देखना है कि हाईएस्ट लेवल उसका कितना है एंड लोएस्ट लेवल कितना है। इसके लिए आप क्या करते हैं, जब साइट सिलेक्शन हो रही है, ठीक है, तो जब आप पॉन्ड बना लेते हैं तो उसके साथ आप कुछ ऐसे इक्विपमेंट यूज़ कर लेते हैं जिसके थ्रू आपको पता लग जाता है कि पॉन्ड में अभी पानी कम है या भी पानी ज़्यादा है, कि उसके अंदर वाटर ऐड करने की ज़रूरत है या उसमें से वाटर जो है वो बाहर निकालने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आपको उस वक्त जो है वो पता लग जाती हैं। देन हम सोइल टोपोग्राफी को चेक करते हैं। टोपोग्राफी मतलब होता है जोग्राफियाई, ठीक है। आपने देखना है कि वो एरिया कैसा है, वहाँ की सॉइल कैसी है, उस एरिया में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है क्या, आपको वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने में ज़्यादा पैसे वगैरह नहीं लगेंगे, ज़्यादा आपको जो है वो ज़्यादा पेमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, हर चीज़ के लिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं होगी। इसके अलावा आपने इरोजन प्रॉब्लम्स भी देखना है वहाँ पे, तो नहीं है ऐसा ना हो कि आप पॉन्ड बनाए उसके अंदर सारा साल्टी साल्टी, कई एरिया ऐसे होते हैं जो साल्टी एरिया होते हैं, साल्टी रेंजेस में, ठीक है, तो वहाँ पॉन्ड बनाना वो अच्छी अच्छा नहीं है, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो और फ्लैट एरिया भी आपने नहीं चुनना, तो आप ऐसा एरिया ढूंढेंगे जो कि जो है वो हिली एरिया हो। हिली एरिया जो होता है वो थोड़ा बेस्ट होता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जस्ट खुदाई थोड़ी सी करनी पड़ती है और एक साइड पे वैसे ही आप पहाड़ आ जाता है, तो वो आपका जो वाटर है वो प्रिजर्व रहता है, बच जाता है, वो वेस्ट नहीं होता। लेकिन अगर और उसको ड्रेन करना भी ईजी होता है, ठीक है, वो ड्रेनेबल होता है, इसलिए आप वो जो है ना सोइल टोपोग्राफी उसको भी देखेंगे। देन हम चेक करते हैं सोइल क्वालिटी, सोइल क्वालिटी कौन सी है, ठीक है। तो वहाँ पे मुख्तलिफ क्वालिटीज़ की सॉइल होती हैं, जैसे कि लोमी सॉइल है, सिल्टी सॉइल है, ठीक है, एंड वाटर लॉगिंग जो एरिया है उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले लोमी सॉइल जो है इसकी आप क्या करें, जो डाइक्स है वो बना लें, ठीक है, ये बेस्ट होंगे। और उसके बाद आ जाती है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल जो है इसकी आप डाइक्स नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि इस ये बहुत पोरस होती है और ये अनसुटेबल है कंस्ट्रक्शन के लिए। क्ले कंटेंट, क्ले के साथ अगर आप डाइक्स बनाते हैं तो उसके प्रॉब्लम ये होगा कि जब ये ड्राई होती है इसके अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो आपकी डाइक्स जो हैं वो मतलब टूटना शुरू हो जाएंगे, गिर जाएंगे, वो इतने बेस्ट नहीं होंगे। तो अगर आप चाहते हैं डाइक्स अच्छे बने तो आप क्या करेंगे, सेंड लोम एंड क्ले इन सबको ऐड कर लें, ठीक है, और उनका पेस्ट बना लें और उसके थ्रू आप जो है ये करें, या फिर कंक्रीट के बना लें, ठीक है, डाइक्स वगैरह। तो सॉइल जो है उसको आप टेस्ट करना है कि सॉइल किस किस्म की है और वो किस तरह की है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कोई भी एक होल जो है ना उसको डग आउट करेंगे, ठीक है, कोई ऐसा होल जो है उसको डग आउट करेंगे, इसके अंदर आप जो है ना वाटर फिल कर देंगे, ठीक है, इतनी क्वान्टिटी में, एंड देन आप उसको जो है ना किसी भी चीज़ से क्या करेंगे, कवर कर देंगे। अब दूसरे दिन जब आप देखेंगे अगर ये होल खाली है, देन उसके अंदर दोबारा वाटर ऐड कर देंगे, फिर उसको कवर कर देंगे। फिर आप जब तीसरे दिन देखेंगे तो अगर उसके अंदर फिर वाटर बिल्कुल नहीं है, तो मतलब ये कि ये एक बिल्कुल परफेक्ट जगह नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आप पॉन्ड ही बना सकते हैं। अगर आप पॉन्ड के अंदर वाटर फिल करोगे तो ये जो ज़मीन है ये क्या करेगी, वाटर को सक कर लेगी और आपके पास जो है कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए आपने ऐसी सेलेक्ट करनी है जहाँ पे क्या हो कि जब आप वाटर ऐड करके जाएँ तो यहाँ पे सही जो है ना ठीक ठाक अच्छी क्वान्टिटी में जो है वो वाटर बाकी रहे, ठीक है, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो उस स्पेस उस ज़मीन की या उस सोइल की ज़्यादा होनी चाहिए। देन जो है हम देखेंगे कि आप क्या करें, मिट्टी लें, ठीक है, मिट्टी लें, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें, ठीक है, और उसको उठा के ना ये उसका इस तरह सा उसका एक बॉल बना लें, ठीक है। अगर बॉल जो है वो सही बनता है और वो नहीं टूटता तो मतलब ये कि वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी है, डैट्स वाई आपको ये जो है ना सॉइल ये सिलेक्ट करनी चाहिए पॉन्ड के लिए, ठीक है, वो जगह बेस्ट है। और अगर ये टूट जाता है तो मीन्स कि ये अच्छा नहीं है, ठीक है, और आपने ऐसी जगह सेलेक्ट करनी है जहाँ पे ऐसा ना हो कि वहाँ पर जो है ना सैलाब वगैरह आए और आपकी सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाए, उड़ जाएँ, ठीक है। तो आपने ऐसा करना है, ऐसी जगह सेलेक्ट करनी है जहाँ पे ये फ्लड वगैरह जो है ना ये तो बिल्कुल आए ही नहीं, ठीक है, एंड देन इस तरह के पॉन्ड्स जो है ना वो आप बना लेते हो, उनको कंस्ट्रक्ट जो है ना वो कर लेते हैं। तो अभी हम देखेंगे साइज़ जो है ना पॉन्ड का वो कितना होना चाहिए। साइज़ डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर कि आप कितना बड़ा पॉन्ड बनाना चाहते हैं, कितने पॉन्ड को आप हैंडल कर सकते हैं और कौन सा पॉन्ड बनाना चाहते हैं, उसकी टाइप्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कौन सा बनाना है। अगर आप बना रहे हैं स्टॉकिंग के लिए, ठीक है, तो अगर आप बना रहे हैं स्टॉक करना चाहते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा फिशेज जो है ना रखना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है आपको पॉन्ड जो है वो इतना बड़ा बनाना होगा, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिले इतने बड़े बड़े। लेकिन अगर आप जो है ना मतलब वैसे ब्रीडिंग पॉन्ड बनाना चाहते हैं, नर्सरी पॉन्ड फिंगरलिंग्स के लिए या इस तरह का कोई भी पॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको इन तरह के बनाने होंगे, ठीक है, जिनका थोड़ा एरिया जो है वो कम हो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ एडवांटेजेस देखेंगे
कि एडवांटेजेस जो है ना वो कौन से हैं, एंड साथ में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से पॉन्ड हैं, पॉन्ड्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। स्पॉनिंग पॉन्ड है, ठीक है, ये देखें, नर्सरी पॉन्ड है, रेयरिंग है, ठीक है, रेयरिंग पॉन्ड्स हैं, आगे ना फॉरेजिंग पॉन्ड्स हैं, और इसके साथ हमारे आ जाते हैं विंटरिंग पॉन्ड्स हैं और फिश टैंक्स हैं। तो इन सब के ऊपर जो है ना वो डिपेंड करता है कि उनका साइज़ कितना होगा, ठीक है। जो पॉन्ड आप बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप अपना साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, वो ज़्यादा रखेंगे या फिर कम रखेंगे। तो देन जो है ये फ़िश साइज़ हो गया। अब हम देखेंगे फ़िश जो है ना, फ़िश पॉन्ड के जो एडवांटेजेस हैं, ठीक है, या फिर जो हमें साइट सेलेक्ट किया है उसके हमें कौन कौन से जो है वो एडवांटेजेस होंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला एडवांटेज है वो ये है कि ये कॉस्ट लेस होगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि सारी की सारी स्पेस जो होगी ना, मतलब कम होगी स्पेस, और वहाँ पर फ़ायदा जो है वो हमें ज़्यादा होगा, और मोर ऑक्सीजन जो है ना वो उसके अंदर वाटर के अंदर ऐड हो जाएगी, लैंड सारा का सारा यूटिलाइज हो जाएगा। और उसका डिसएडवांटेज क्या होंगे कि डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना इसको, पॉन्ड को। इसके अलावा जो है वहाँ पे इरोजन वगैरह अगर हो जाए तो उसको भी हैंडल करना डिफ़िकल्ट है, लेबर वर्क जो है वो ज़्यादा लगेगा, और उसको क्लीन करना या ड्रेन करना पॉन्ड को, ये थोड़ा सा जो है ना डिफ़िकल्ट काम है, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस थे। तो यहाँ पर हमारी जो वीडियो वो ख़त्म होती है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।